ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मंडी से कंगना रनौत चुनाव जीत चुकी हैं, ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। वहीं रुझानों में बहुमत से बीजेपी पिछड़ती हुई भी नजर आ रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की बात कर ले तो सभी 7 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वाराणसी से पीएम मोदी 97,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये बड़ी हॉट सीट है, यहाँ से पीएम मोदी खुद चुनावी मैदान में हैं। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी 62,000 वोटों से इस वक्त पीछे नजर आ रही है। राजस्थान में बीजेपी 14 सीटों पर इस वक्त आगे है, ये बड़ा अपडेट लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस 8 सीटों पर राजस्थान में आगे चल रही है और इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में ये कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात कर ले तो कंगना रनौत यहां से चुनाव जीत चुकी हैं रुझानों में, लेकिन बहुमत से बीजेपी अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार रुझानों में एनडीए को बढ़त मिल रही थी, लेकिन अब बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो सभी 7 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वाराणसी से पीएम मोदी 97,000 वोटों से आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी 62,000 वोटों से इस वक्त पीछे हैं, ये बड़ा अपडेट लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहा है। और राजस्थान की बात करें तो वहां से कांग्रेस लगभग 8 सीटों पर आगे नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। वहीं हिमाचल के मंडी की बात कर ले तो बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत यहां से चुनाव जीत चुकी है और रुझानों में बहुमत से बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अगर दिल्ली की बात कर ले तो सभी 7 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे थे उसमें ये लंबा उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो मुकाबला है वो एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एनडीए के खाते में देख लीजिए 292 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं इंडिया अलायंस भी पूरी टक्कर के साथ 233 सीट पर है और अन्य के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बात अगर राजस्थान की कर ले तो राजस्थान में बीजेपी 14 सीटों पर आगे है, तो वहीं कांग्रेस को 8 सीटों पर बढ़त मिल गई है। मंडी से कंगना रनौत इस वक्त चुनाव जीत चुकी हैं, ये बड़ा अपडेट लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता रहे हैं। रुझानों में बहुमत से बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हॉट सीट वाराणसी की बात कर ले तो पीएम मोदी 97,000 वोटों से आगे बढ़ चुके हैं और अमेठी में स्मृति ईरानी 62,000 वोटों से इस वक्त पीछे।